ऐसा मन कर रहा है कि सोशल मीडिया को मैं अभी यहीं पे छोड़ देता हूँ। मेरे को इतनी टेंशन हो रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही भाई, मेरे सिर में दर्द हो जा रहा है, रात रात को एकदम से मैं उठ जा रहा हूँ। ज्यादा ज्ञान मत दिया करो, ठीक है? इतने अच्छे नहीं हो आप। तुम भी इतनी अच्छी हो सोनू। कैमरा खुला है इसलिए बना बोलते हैं तुम भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर मॉकटेल आ चुकी है, यहाँ पर कुछ स्नैक्स है, बट मुझे नाम नहीं पता गाइस, इनके कलरफुल दिख रहे हैं बस। भाई साहब गजब गजब। हे गाइस, वेलकम बैक टू रितेन सोनी व्लॉग्स। एंड व्लॉग प्रॉपर आ नहीं रहे हैं क्योंकि हम लोग ना बहुत बिजी चल रहे हैं। आज मैंने सोनू को मॉर्निंग में उठा लिया, मैंने कहा सोनू जल्दी उठो, व्लॉग शूट करते हैं। हमारे ना डेली शूट्स चल रहे हैं, मैं इस चक्कर से कॉलेज भी नहीं जा पा रहा। एंड इस समय लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। ऐसा मन कर रहा है कि सोशल मीडिया को मैं अभी यहीं पे छोड़ देता हूँ। फिर मन कर रहा है, इतनी मेहनत करी थी यार, वो सब खराब चले जाएगी। पिछले 2.5-3 सालों से हम लोग लगे हुए थे, बट सच में पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मेरे फैकल्टीज भी सोच रहे होंगे यार ये कॉलेज नहीं आता, कॉलेज से आता है तो गायब हो जाता है। जिस दिन शूट नहीं करते ना उस दिन और टेंशन हो जाती है कि यार आज कुछ अपलोड नहीं करा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि हमें सोशल मीडिया पर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। यूट्यूब पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, बट इंस्टाग्राम इज गेमिंग रिस्पॉन्स, तो फिर उसके लिए हम यहाँ पर हैं। और आप लोग जो प्यार दिखा रहे हो ना मेन, उस चीज के लिए हम लोग सोशल मीडिया में अभी तक हैं। जब से हम घर से आए हमारे रोज डेली प्रोमो शूट है, कभी इसके कभी उसके कभी उसके। और कल हमने जो भी 1 घंटा वेट किया, लास्ट में उन्होंने बोला कि आप ना मंडे को आना, बट अब मंडे को हम क्यों आए यार, क्यों, हमारा कॉलेज भी तो है ना, तो हम दोनों को टाइम दे रहे हैं, तो हम उनको नेक्स्ट टाइम देंगे कि हम इतने टाइम पे आएंगे। यही चीजें चल रही हैं, बाकी यार थोड़ा सपोर्ट दिखाना। मैं मतलब इस समय घर वालों से भी क्या ही बोलूं, घर वाले सोच रहे हैं जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज अभी लास्ट ईयर चल रहा है, तो फिर पढ़ाई को टाइम देना बहुत जरूरी था, जो नहीं दे पा रहा हूँ भाई। मेरे को इतनी टेंशन हो रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही भाई, मेरे सिर में दर्द हो जा रहा है, रात रात को एकदम से मैं उठ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ नहीं रहा। लेकिन अब कैसे क्या होगा मुझे नहीं पता, बाकी गॉड नोस। गाइस मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है। मुझे नहीं आ रही सुनो, मुझे तो नींद आ रही है, अभी भी नींद आ रही है। तो फिलहाल हम लोग रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज हम लोग हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, एंड आज हमने कम से कम 5 से 6 बार कपड़े चेंज करने, क्योंकि आज संडे है एंड हम चाहते हैं आज कम से कम 4-5 रीलें शूट हो जाए। तो गाइज हमारी एक रील शूट हो चुकी है और अब हमें फिर चेंज करने पड़ेंगे कपड़े, क्योंकि नेक्स्ट हमारा शूट दोबारा से दूसरे कपड़ों में करेंगे हम लोग। बहुत स्ट्रगल है गाइज, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि हम 15 सेकंड की रील देख रहे हैं वो ऐसी बन जाती है? नहीं गाइज, कपड़े चेंज करने पड़ते हैं इतनी बार, और उसमें भी पता नहीं कितनी बार हमें टेक लेने पड़ते हैं, बार 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 बार। मतलब ये लगा लो कि 15 सेकंड की रील को समथिंग समथिंग आधा घंटा लग ही जाता है, आधा घंटा लगता है अलग, और ऊपर से कल को भी लड़ाई आती है तो फिर रील भी नहीं बनती है, वो आपको दिखती ही नहीं होगी रील। फिर वो सबके साथ होता है, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि सोशल मीडिया की लाइफ अलग है, रियल लाइफ बहुत अलग है। तो आप लोग दोनों को मिक्स कर देते हो, जिसके चक्कर से फिर आप लोग बैटरी के चक्कर में ना जो आपके पास होता है वो भी गवा देते हो, है ना? ज्यादा ज्ञान मत दिया करो, ठीक है? इतने अच्छे नहीं हो आप। तुम भी इतनी अच्छी हो सोनू। कैमरा खुला है इसलिए बना बोलते हैं तुम भी अच्छी नहीं है। भैंस की टांग, भैंस की आंख, भैंस की टांग, भैंस की आंख होती है, भैंस की पूंछ भी तो होती है, भैंस की। कार्तिक भाई जेयर, क्या हाल चाल भाई? अरे खुश रहो यार, पैर वैर छूने की जरूरत नहीं। हेलो 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 संस्कार भाई। तो सब लोग अभी रेडी हो रहे हैं, पानी वगैरह हमने रख लिया, तो अभी यहाँ से ऊपर की तरफ लोकेशन में जाएंगे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, रेडी। हेलमेट तुमने पहना, चला मैं रहा हूं। कोई बात नहीं गाइस, विश्वास नहीं करना चाहिए दूसरे पे। मैं ये सोच रहा ना अगर मैं गिर भी गया कोई बात नहीं भाई, ये सेफ होनी चाहिए बस। झूठ बोलते गाइस, झूठ। अभी रील शूट करनी है ना, तो उसमें मेरा काम है हेलमेट पहनने का, इसलिए पहन रहा था मेरे को। इस वाले ग्राउंड पे हम लोग आ चुके हैं, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लाइक मैं सोनू को स्कूटी सिखा रहा हूँ, तो सोनू हेलमेट पहन के रेडी है। अगर चोट भी लग गई, लगेगी तो नहीं वैसे, क्योंकि हमने खड़ी खड़ी स्कूटी पे गिरना है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत बिहाइंड द सीन हम शूट कर लेंगे। गाइस देखो यहाँ पे फुल ऑन एक्टिंग चल रही है बिल्कुल, और ये ऐसी एक्टिंग नहीं है। अगर मैं गिर भी जाऊँ ना, इनको अपनी स्कूटी की पड़ी होगी, स्कूटी को उठाएंगे। देखो रियलिटी, देखो रियलिटी। तो स्कूटी गिरानी पड़ी यार मुझे फालतू की। तो कुछ शूट हम करके आ चुके हैं, एंड कुछ हमने करने हैं अभी, एक हमने प्रमोशनल शूट भी करना है, ISBT की तरफ जाना है। स्कूटी तो पार्क कर दी है, अब मैं लेके जाऊंगा बाइक, क्योंकि बाइक के शूट भी करने हैं, एंड साथ ही साथ प्रमोशनल वीडियो भी शूट करनी है। तो फिर सब लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग कपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि एक ही ड्रेस में सारे शूट नहीं हो पाते ना, तो जल्दी से चेंज करता हूँ। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी, एंड अभी हम अपना ही शूट कर रहे हैं FRI में, उसके बाद हमने निकलना है ISBT के लिए। ऑलिव ग्रीन रेस्टोरेंट में हमारा एक प्रमोशनल शूट है, लेट्स गो। चलो Cruising down the highway, windows down low. तो गाइस हम FRI के बाहर से पहुंच चुके थे, एंड FRI के अंदर ट्राइपॉड ले जाना अलाउ नहीं है,
तो मैंने आंटी से बात कर ली। आंटी के हम सिकंजी वगैरह पी रहे हैं तो आंटी के वहाँ ट्राइपॉड रखवा देंगे। FRI का टिकट ले लिया है तो हम लोग आ चुके हैं FRI में। लाइक हमने 110 रुपए का टिकट लिया था और सिर्फ 20 से 25 मिनट का काम है, जल्दी से रील शूट करनी है और जाना है। तो हमारे शूट तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा SBT के लिए। बहुत थक चुका हूँ, ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ। बहुत थक गए ना? बहुत। द डे वाज हेक्टिक, बहुत ज़्यादा भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन मेहनत तो है भाई। आज सुबह मैं सोच रहा था कि पढ़ाई चूज करूँ इन फ्यूचर या फिर यही सोशल मीडिया। क्या लगता है कार्तिक भाई, इन्फ्लुएंसर बन रहे? नहीं बन रहे हम, बन रहे बिल्कुल, बन रहे तो लगता है ना वो 15 या 20 सेकंड की वीडियोस के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, 1-1.5 घंटे की मेहनत होती है। सही बात, 1-1.5 घंटे की नहीं पूरे दिन की। तो अभी हम आ चुके थे ऑलिव ग्रीन में एंड यहाँ पर अंदर बज रहा है म्यूजिक रेस्टोरेंट में। तो व्लॉग प्रॉपर बनेगा नहीं क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। यहाँ पर सारी डिशेस लगा दी है, शूट तो हमने कर लिया है, थोड़ा बहुत शूट और बचा हुआ है। तो सुनो खा लो जल्दी से, दे आर गिविंग अस बियर बकेट आल्सो, वो सिर्फ एक डिस्प्ले के लिए। यहाँ पर मॉकटेल आ चुकी है, यहाँ पर कुछ स्नैक्स है बट मुझे नाम नहीं पता गाइस, इनके कलरफुल दिख रहे हैं बस। सुनो नाम पता है तुम्हें? पीने से मतलब है। मोमोज भी देख सकते हैं आप, कलरफुल हैं। तो भाई इतना सारा स्नैक्स खाने के लिए हम लोग अब रेडी हैं। एक हमारी बियर की बकेट भी आ रही है यहाँ पर सिर्फ डिस्प्ले के लिए। तो भाई हमारी बियर बकेट भी आ चुकी है, देखो ट्यूबॉक की बियर है, सारी प्रीमियम बियर दे रखी है इन्होंने। तो चार बियर हैं, 2 सोनू की और 2 मेरी। चारों के चार तुम भी हो गए क्या? तो ये है ऑलिव ग्रीन का बार। अब क्या दिखाने वाले हो आप? फ्लैरिंग समूह। जो भी भाई HM वाले स्टूडेंट्स हैं जो लाइक बार से कुछ करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा भैया यहाँ पर कर रहे हैं। भाई साहब गजब गजब। तो गाइज ऑलिव ग्रीन से हम लोग सीधे आ चुके थे मौसी के वहाँ, लेकिन हमें जो आज रील्स की एडिटिंग करानी थी वो कार्तिक भाई से करानी थी। तो कार्तिक भाई वहाँ पर बैठ के रील एडिट कर रहे हैं और मैंने भी कपड़े चेंज कर रहे हैं, सोनू ने भी, क्योंकि जो कपड़े पहने थे बहुत गर्मी हो रही थी भाई उन कपड़ों से। तो मौसी ने मुझे संस्कार की टी शर्ट दे दी, कार्तिक की, मुझे कार्तिक की है। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो फिर अपने कपड़े पहन के निकलेंगे, बाकी चाय भी पी ली है। और इन्होंने भी हमें साफले खिलाए थे, वो मैंने शूट नहीं किया, बहुत टेस्टी साफले थे भाई, लाइक मैदे के अंदर मोमोज वाली फिलिंग करते हैं तो वो साफले बन जाते हैं। और अभी मौसी भी किचन में है, शायद क्या बना रही है मैं देखता हूँ एक बार। मौसी तो अभी कुछ देख रही है फोन पे, मुझे लगा आप किचन में कुछ बना रहे हो। भाई संस्कार भाई घुसे हुए आज किचन में, क्या बना रहे हो संस्कार भाई? पुलाव। अरे भाई इन्होंने तो दही पुलाव बना दिया। लेकिन संस्कार भाई एक चीज बताओ, आजकल तुम एक टाइम खाना खा रहे हो और वो भी पुलाव, ऐसा क्यों? पता नहीं, मैंने यूट्यूब पे देखा था ना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है तो मैं वही कर रहा हूँ। मतलब संस्कार भाई बहुत पतले हो चुके हैं, आपने इन्हें देखा होगा। अगर कोई वेट कम करना चाहता है तो क्या करना चाहिए उसे? एक टाइम खाना खाओ बढ़िया और पानी पियो पूरे दिन। क्या पता आने वाले टाइम पे सोशल मीडिया हम लोग छोड़ दें। बिल्कुल मत छोड़ना। सब लोग मना कर रहे हैं भाई छोड़ने के लिए। बड़ी मुश्किल से तो हम ग्रो हुए हैं, थोड़ा बहुत वो भी आप लोग के सपोर्ट से, और आप ही बोल रहे छोड़ दें भाई। पढ़ाई मोटिवेशन मेरे से लो ना, जिसने पूरे 3 साल काट दिए, 2 साल पूरे काट दिए बिना पढ़े। देख रहे हो ऐसे होते हैं पास बिना पढ़े। और पता अभी भी लोगों को लगता है कि ये तो बहुत पढ़ते हैं। मेरी क्लास के बच्चों को लगता है पता नहीं कैसे कैसे पढ़ती है, इतना यहाँ घूम भी रही है, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, CGPA देखो तो ठीक ठीक है, बच्चे हैरान है। तो हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए फिर से, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से घर की तरफ को।